मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। कसरावद विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने आत्माराम पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित किया। सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर एकत्रित होकर आत्माराम पटेल का स्वागत किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चर्चा में विधायक प्रत्याशी आत्माराम पटेल ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता एक टीम की भांति कार्य करते हैं। पार्टी ने उन पर जो विश्वास दिखाया है, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से इस बार अवश्य भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कसरावद विधानसभा में कमल का फूल खिलेगा। जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार कार्य करते रहेंगे। जनता को ईश्वर मानकर सेवा करते रहेंगे। कसरावद से अखिल खान की रिपोर्ट। ईमानदारी से सभी को इस चुनाव में काम करना है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कार्यकर्ता, विधानसभा के पूरे कार्यकर्ता ये मन बना चुके हैं कि इस बार हम कसरावद में हमारा विधायक जरूर बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज भाजपा ने आपको कसरावद विधानसभा के लिए चुनाव कैंडिडेट, आप क्या कहना चाहोगे? कसरावद विधानसभा के हजारों हजार कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद और हमारी कोर कमेटी और हमारी जो पूरी टीम है, सबके प्रयासों से और सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने कसरावद में पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया है और निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से कसरावद विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विजयश्री दिलवाने में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के लगे। चुनाव को लेकर क्या तैयारी? चुनाव को लेकर के क्या है कि एक व्यक्ति तैयारी नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी में पूरा टीम वर्क है और हमारी टीम वर्क में हमारी कोर कमेटी है, कोर कमेटी से नीचे हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्षों से नीचे जो है हमारे टोटल शक्ति केंद्र है, शक्ति केंद्रों से नीचे मतदान केंद्र और मतदान केंद्र से नीचे जा करके हमारे पन्ना प्रभारी है, कोर कमेटी से लेकर पन्ना प्रभारी तक की जो पूरी टीम है और सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से और पूरी टीम के सहयोग से जो है इस बार निश्चित रूप से कसरावद विधानसभा में कमल खिलेगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है। अगर कमल खिलता है कसरावद विधानसभा में तो कसरावद विधानसभा को क्या सौगातें मिलेंगी? जैसा कि पहले भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मुझे पिछले 8 से 13 में भी अवसर मिला था तो कसरावद विधानसभा में सड़क, बिजली और पानी, बिजली की समस्या हल हुई थी, सड़कों का जाल बिछाया गया था और माँ नर्मदा का पानी 2012 में माननीय शिवराज जी आए थे तब कसरावद में प्रवेश किया था। दूसरी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर डिग्री कॉलेज हमने खुलवाया, यहाँ पर सेंट्रल स्कूल हमने खुलवाया, आईटीआई कॉलेज हमने यहाँ पर खुलवाया, यहाँ पर 18 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरियाँ जो है मेरे कार्यकाल में खुली है, इससे कम संख्या में पहले थी। यहाँ पर मैंने मेरे कार्यकाल में 5 अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रावास थे, 6 छात्रावास मेरे कार्यकाल में यहाँ पर खुलवाए, 48 मिनी आंगनवाड़ियाँ और आंगनवाड़ियाँ यहाँ पर मेरे कार्यकाल में खुलवाई गई है। इसी तरह से कसरावद विधानसभा मध्य प्रदेश में एक नंबर की विधानसभा बने और यहाँ पर नागरिकों को हर प्रकार की सुविधापूर्ण मिले, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूँगा और आने वाले 5 साल तक जनता को ईश्वर मान करके उनकी लगातार सेवा करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।